तो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलर की मेन मोटर और वाटर पंप का कनेक्शन हम रोटरी स्विच के साथ कैसे करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो हमारी कूलर में मेन मोटर होती है और जो वाटर पंप होती है तो उसका हम वायरिंग कूलर में कैसे करते हैं। तो वहाँ पर देखिए जो हमारी कूलर होती है वहाँ पर हमारी इस टाइप्स की रोटरी स्विच लगी रहती है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे होंगे जो हमारी ये रोटरी स्विच है इसमें हमारे यहाँ पे चार पोल आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही जो हमारी दूसरी वाली रोटरी स्विच है इसमें भी हमारा चार पोल दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स ठीक है, तो जो हमारी रोटरी स्विच की है जो चार पोल होती है इनमें हम इस मोटर का वायर को कैसे कनेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारी सिंगल स्पीड की मोटर है, मतलब हमारी ये सिंगल स्पीड है। तो यहाँ पे देखिए इसकी दो वायर यहाँ पे है और बाकी की जो दो वायर है इसमें हमारी यहाँ पे देखिए कैपेसिटर कनेक्शन हुई है। फ्रेंड्स ठीक है, वैसे ही देखिए ये हमारी वाटर पंप की दो वायर है जो कि हमारा यहाँ पे वाटर पंप है और उसके बाद जो हम कूलर में सप्लाई देते हैं 220 सप्लाई उसका यहाँ पे दो वायर है। फ्रेंड्स ठीक है, तो इन सारे वायर का कनेक्शन हम रोटरी स्विच में कैसे करते हैं। फ्रेंड्स देखिए अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को समझिएगा तो आप किसी भी टाइप से कूलर का वायरिंग आसानी से कर पाइएगा। फ्रेंड्स देखिए जो हमारी कूलर होती है उसमें हमारा वाटर पंप होता है, मेन मोटर होता है और साथ ही किसी किसी कूलर में क्या होता है स्विंग मोटर होता है। तो अगर आप यहाँ पे इस वाटर पंप का कनेक्शन समझ जाइएगा तो आप इसी टाइप से स्विंग मोटर का भी कनेक्शन कर लीजिएगा। किसी किसी कूलर में क्या होता है तीन तीन रोटरी स्विच होता है, किसी में दो ही रोटरी स्विच होता है। तो फ्रेंड चलिए हम इसका कनेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे आपको इसका कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए ये हमारी वाटर पंप की दो वायर हो गई, ये हमारी मेन मोटर की दो वायर हो गई। फ्रेंड्स ठीक है, उसके बाद सबसे पहले थोड़ा सा आपको इस रोटरी स्विच के बारे में समझना होगा कि हमारी ये रोटरी स्विच काम कैसे करती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते होंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे L लिखा है, यहाँ पे एक नंबर लिखा है, यहाँ पे दो नंबर लिखा है और यहाँ पे तीन नंबर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स ये नंबर क्यों होते हैं तो ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कैसे इसका कनेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है अपने कूलर में, जैसे आपका वाटर पंप का जैसे एक सप्लाई, जैसे कि मान लीजिए आपकी वाटर पंप की एक सप्लाई है और जो आपकी कूलर की मोटर है जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारी सिंगल स्पीड मोटर है। फ्रेंड्स हम थ्री स्पीड कूलर मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं रोटरी स्विच में इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको जो सिंगल स्पीड की कूलर मोटर है इसका जो दो वायर में से एक वायर लेना है और आपको वाटर पंप का क्या करना है एक वायर यहाँ पे ले लेना है। फ्रेंड्स ठीक है, लेने के बाद क्या करना है इन दोनों को आपस में इसे जोड़ना है। फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए देखिए तो क्या होगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। फ्रेंड्स ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक हमारा वाटर पंप का और एक हमारा क्या हो रहा है मेन मोटर का, यहाँ पे दोनों वायर को आपस में जोड़ दे रहे हैं। उसके बाद देखिए जो आपका सप्लाई का वायर, जैसे कि हमारे देखिए यहाँ पे सप्लाई का वायर है जिसे कि हम अपने कूलर में 220 का सप्लाई देंगे, तो इसका क्या करना है आपको एक वायर इसमें लेके जोड़ देना है। फ्रेंड्स ठीक है, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे हमने क्या किया है अपने वाटर पंप का एक वायर और अपने मेन मोटर का एक वायर और जो आपका सप्लाई का वायर है उसका एक वायर को क्या करना है आपस में तीनों को इसे कनेक्ट करके आपको टेप लगा के छोड़ देना है। फ्रेंड्स ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे आपको तीन दोनों का एक एक वायर को क्या करना है सप्लाई के एक वायर में इसे कनेक्ट कर लेना है। करने के बाद अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हमारा यहाँ पे बच गया ये हमारा मोटर का, देखिए यहाँ पे एक वायर बच गया और यहाँ पे देखिए वाटर पंप का एक वायर बच गया और ये हमारा सप्लाई का एक वायर बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा तीनों वायर है तो यही तीनों वायर क्या होगा हमारा इस रोटरी स्विच में कनेक्शन होगा। फ्रेंड्स ठीक है, तो अभी हम इसमें कैसे कनेक्शन करते हैं तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए जो हमारी रोटरी स्विच की जो यहाँ पे एल वाली पॉइंट होगी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो आपका कूलर में रोटरी स्विच लगा होगा उस रोटरी स्विच में इस टाइप से नंबर होगा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और एल लिखा होगा। तो जो हमारा एल लिखा वाला जो यहाँ पे टर्मिनल होगा इसी टर्मिनल में हम क्या करेंगे जो हमारी सप्लाई की एक वायर है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा एक वायर इसमें कनेक्ट हो गया, दूसरा एक वायर है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे एल वाला में इसे कनेक्शन करेंगे। फ्रेंड्स ठीक है, आपको कभी भी एल वाला टर्मिनल में ही कनेक्शन करना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारी एल वाली टर्मिनल है इसमें हम क्या करना है सप्लाई वायर को लगा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है आपको फिर इस ए वाला जो रोटरी स्विच है इसको भी आपको क्या करना है सप्लाई देना है। फ्रेंड्स ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ऐसा एक छोटा सा लूप लेना है, लेने के बाद आपको क्या करना है इसी के अंदर इसको भी जॉइंट करना है, मतलब जो सप्लाई है रोटरी स्विच में जो आप दे रहे हैं उसी में क्या करना है दोनों को इसे आपको आपस में कनेक्ट करके और क्या करिए इसे बढ़िया से इसको टाइट कर दीजिए। फ्रेंड्स ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं जो हमारी एक रोटरी स्विच है उसकी एल वाली पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं एक सप्लाई का वायर जोड़ रहे हैं और उसी में से क्या करेंगे एक ऐसे लूप ले लेंगे, इसी लूप को हम क्या करेंगे जो हमारी दूसरी वाली रोटरी स्विच है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जब देखिएगा तो दूसरी वाली रोटरी स्विच में भी यहाँ पे एल लिखा होगा जैसे कि आप ध्यान से देख लोगे यहाँ पे एल लिखा है, तो ए वाला क्या करना है आपको एल वाला पॉइंट में क्या करना है इसको भी ला के जोड़ना है। फ्रेंड्स ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ जो भी आपका सप्लाई होगा वो दोनों रोटरी स्विच के एल वाला पॉइंट में पहले कनेक्शन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने क्या किया है दोनों रोटरी स्विच के एल में क्या किया है यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। फ्रेंड्स ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे हमको पहले एल वाला टर्मिनल में कर लेना है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है देखिए आपकी ए हो गई मेन मोटर की केबल और ए एक बच गई यहाँ पे वाटर पंप की केबल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको कौन सी रोटरी स्विच मेन मोटर के लिए रखनी है और कौन सी रोटरी स्विच वाटर पंप के लिए रखनी है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ए वाला रोटरी स्विच में पंप का कनेक्शन कर रहे हैं,
तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ये आपकी एल है, एल के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई देगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो एल के बाद जो एक नंबर वाली टर्मिनल होगी, इसमें क्या करना है, पंप का जो यहाँ पे दूसरा वाला वायर है इसको आपको क्या करना है, इसे कनेक्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप इसको एक टर्मिनल पे ऐसे कनेक्ट करिएगा तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। जब आप अपने रोटरी स्विच को एक साइड ऑन करिएगा तो आपका ये मोटर ऑन होगा, और वहीं जब दूसरा साइड करिएगा तो ऑफ हो जाएगा, और फिर से घुमाइएगा तो ये ऑन नहीं होगा, ऑफ ही रहेगा, और फिर यहाँ पे करिएगा तो क्या होगा, ऑन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए आपकी रोटरी स्विच में आप ध्यान से देखिएगा, आप एक साइड घुमाते हैं तो ऑन होता होगा, फिर ऑफ होता होगा, और फिर ऑन हो जाता होगा, और फिर क्या होता होगा, ऑफ होगा तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अगर इस टाइप से करेक्शन करेंगे तो आपकी रोटरी स्विच एक ही बार ऑन होगी, एक बार ऑफ होगी, दो बार नहीं होगी। वहीं हम जब दो बार इसको जब ऑन ऑफ करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा एक छोटा सा लूप लेना है, इसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं है, आपको क्या करना है एक नंबर में इसे लूप लगा देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम क्या करें, यहाँ पे एक नंबर में एक ऐसे लूप को लगा रहे हैं। लगाने के बाद आपको क्या करना है, दो नंबर वाला पॉइंट को छोड़ना है, क्योंकि यहां से यहां करेगा तो ऑन होगा, फिर यहां पर ऑफ होगा, और फिर यहां पर आएगा तो ऑन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका जो ये लूप रहेगा वो क्या होगा, तीन नंबर वाला पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि आपको कैसे कनेक्शन करना है, एक नंबर और तीन नंबर को आपस में आप लूप कर दीजिए तो आपका रोटरी स्विच दो बार ऑन और दो बार ऑफ होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमारा एक कनेक्शन हो गया है, ऐसे ही जो हमारी ये मेन मोटर की अब एक वायर यहां पे बच गई, इसको हमको क्या करना है, जो हमारी यहां पे देखिए रोटरी स्विच है, जो हमारी दूसरी वाली रोटरी स्विच है, इसके भी क्या करना है, एक नंबर वाला पॉइंट में आपको लाके इसे कनेक्शन कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम कनेक्शन कर रहे हैं, और ठीक वैसे ही आपको एक छोटा सा लूप लेना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए आपका एक छोटा सा लूप है। लेने के बाद आपको क्या करना है, इसी वाला पॉइंट में इसको भी ऐसे क्या करना है, कनेक्शन कर लेना है, और करने के बाद आपको इसको तीन नंबर के साथ लूप करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम कूलर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपने चैनल्स पे अपलोड किया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके कूलर में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाके वीडियो देखिएगा, तो वहाँ पे आप आसानी से खुद से कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमको क्या करना है, यहाँ से एक नंबर से फिर इसमें भी क्या करना है, हमको तीन नंबर में इसे कनेक्शन कर लेना है, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं फ्रेंड्स। मैं आपको इसको चालू भी करके दिखाऊंगा कैसे काम कर रहा है, जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है आप कनेक्शन समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने इसका कनेक्शन किया कैसे है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, देखिए आपको क्या करना है, वाटर पंप का एक वायर और जो आपका मेन मोटर है उसका एक वायर और जो सप्लाई की एक वायर है आपको आपस में इसे कनेक्ट करके छोड़ देना है फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे ही देखिए आपको क्या करना है, जो आपका सप्लाई का दूसरा वायर है आपके रोटरी स्विच के एल वाला पॉइंट में, यहाँ पे एल लिखा होगा, एल वाला पॉइंट में कनेक्शन करना है और यहीं से एक लूप कर देना है आपको यहाँ पे, मान लीजिए आपका दूसरा वाला रोटरी स्विच का एल में। अगर आपके कूलर में अगर स्विंग मोटर है तो एक और रोटरी स्विच रहेगा, तो आप यहीं एल से क्या करिए, उसको भी लूप कर दीजिए और सेम ऐसे ही स्विंग मोटर का भी कनेक्शन तीसरा वाला रोटरी स्विच में कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, और फिर देखिए हम क्या किए, एक नंबर में एक मोटर का कनेक्शन किया है, फिर इसका एक नंबर में कर दिए हैं। तो लेकिन हमारा रोटरी स्विच दो साइड ऑन और दो साइड ऑफ होता है, तो उसके लिए हमको करना क्या होता है, एक नंबर से तीन नंबर को लूप मारना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने एक नंबर से तीन नंबर को लूप मारा है, ठीक ऐसे ही हम इसमें क्या किए, एक नंबर से तीन नंबर को लूप मार दिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ये हमारी कूलर मोटर की कैपेसिटर है, जो कि हमारी दो वायर में यहाँ पे कनेक्शन होगी, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे हमारी क्या होती है, कूलर की वायरिंग होती है, आपको कूलर के अंदर सेम ऐसे ही वायरिंग करना होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हम इसको एक बार आपको चालू करके दिखाते हैं कि जो हमने कनेक्शन किया है वो हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं, जिससे कि क्या होगा आपको और क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, चालू करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करें, इसको प्लायर से पकड़ ले रहे हैं, नहीं तो क्या होगा हमारे ऐसे इधर उधर टच हो जाएगा, क्योंकि ये तो कूलर में सेट नहीं है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, सप्लाई को यहाँ पे चालू करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए हम जब चालू करें, देखिए अभी हम क्या करेंगे, पंप को चालू करेंगे, यहाँ पे हमारा पंप चालू हो रहा है, फिर यहाँ पे ऑफ हो जा रहा है, और फिर देखिए हम चालू कर रहे हैं तो चालू हो जा रहा है, और फिर देखिए यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑफ हो जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब हमारा दो साइड ऑन और दो साइड ऑफ हो रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, आपको मेन मोटर को भी चेक करके दिखा देते हैं, जो कि हमने मेन मोटर का कनेक्शन किया है। फिर आपको ऐसे ही कोई चीज से पकड़ना है, नहीं तो इस टर्मिनल में आपका हाथ टच हो जाएगा तो आपको शॉर्ट भी लग सकता है, आपको ध्यान से काम करना है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से सप्लाई को ऑन करेंगे, और आप देखिए यहाँ पे हम ऑन कर रहे हैं, देखिए हमारा यहाँ पे मोटर घूम रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारी मोटर यहाँ पे घूम रही है। फिर देखिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं तो देखिए ऑफ हो जा रही है, और फिर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऑन कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे ऑन हो रहा है, और फिर जब इसको हम ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑफ हो जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो हमने कनेक्शन किया है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही सही है। आप
आप इस टाइप से किसी भी कूलर का वायरिंग आसानी के साथ कर पाइएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारे कूलर से अंदर भी मतलब वायरिंग होता है, आपको यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताया है ऐसे ही जो हमारी कूलर होती है उसके अंदर भी सेम ऐसे ही वायरिंग होती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो हमारी कूलर होती है एक हमारी 3 स्पीड की भी आती है, तो जो हमारी 3 स्पीड की मोटर आती है जिसके अंदर हमारा 4 वायर रहता है, तो उन 4 वायर का कनेक्शन हम इस रोटरी स्विच में कैसे करते हैं तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कैसे आपको इस दोनों को इस रोटरी स्विच के अंदर कनेक्शन करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, या अगर कूलर से रिलेटेड आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।